नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आजकल कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर पर काम करने का चलन बढ़ गया है। इसका नतीजा लोगों में सर्वाइकल और ड्राई आईज जैसी समस्याओं के रूप में सामने आया है। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो लंबे समय तक पलकें नहीं झपकती हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट भी आंखों के पानी को सुखा देती है। आंखों का पानी सूखने पर आंखों में दर्द रहने लगता है और कई गंभीर मामलों में तो व्यक्ति को दूसरे से आई कांटेक्ट करके बात करने में भी दिक्कत होती है। और अगर ये दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसे कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। जी हाँ, गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल से ड्राई आई सिंड्रोम के मामले काफी बढ़ रहे हैं। वैसे हवाई जहाज में यात्रा के दौरान एयर कंडीशन में काम करते हुए या टू व्हीलर चलाते समय भी कुछ देर के लिए आप ड्राई आईज की समस्या महसूस कर सकते हैं। अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो उपचार कराना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बैक्टीरिया का संक्रमण, आंखों की सतह पर सूजन आना, कॉर्निया का क्षतिग्रस्त हो जाना जैसी जटिलताएं होने की आशंका बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं लक्षणों की। अगर हम बात करें सामान्य लक्षण की, तो आंखों में जलन होना, तेज दर्द होना, आंखें लाल हो जाना, ये इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। अगर हम बात करते हैं गंभीर लक्षण की, आंखों में या आंखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, थोड़ा सा काम करने पर ही आंखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आंखों में किरकिरी महसूस होना, आंखों में भारीपन महसूस होना। चलिए बात करते हैं कारणों की। आंसुओं का निर्माण कम होना, उम्र बढ़ना, दवाइयों के दुष्प्रभाव, बीमारियों के दुष्प्रभाव, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन भी इसका एक कारण हो सकता है, तंत्रिकाओं का क्षतिग्रस्त हो जाना और आंखों को कम झपकना। चलिए बात करते हैं उपचार की। जिन लोगों में ड्राई आईज की समस्या मामूली है या कभी कभी होती है, उन्हें दवाइयों से आराम मिल जाता है। समस्या गंभीर होने पर कारणों के आधार पर उपचार दिया जाता है, और अगर ये समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है तो जल्द ही आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। लेकिन इस बीमारी से बचने के कई सारे उपाय भी हैं, जैसे पोषक भोजन खाना, आंखों को तेज हवा से बचाना, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, आई वेयर का इस्तेमाल करें, आई ब्रेक्स लें, कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी आंखों के लेवल से नीचे रखें, धूम्रपान से बचें और आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।